हमारे टीनेजर्स के स्कूल के दिनों को याद रखने के कई सारे रीजन होते हैं, पर कुछ ऐसी यादें भी होती हैं जो हम किसी और से शेयर नहीं करते। लेकिन थैंक्स टू नेटफ्लिक्स की 13 रीजन वाई सीरीज, इसने टीनेजर्स की प्रॉब्लम्स को सबके सामने ओपनली रखा। यही कारण है कि ये शो अपनी जानदार स्टोरी और बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से दुनिया भर में पॉपुलर है और नेटफ्लिक्स के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शोज में से एक है और हमारे सब्सक्राइबर्स की फेवरेट भी, जिन्होंने हमें बार बार इस टॉपिक को सजेस्ट करके इस वीडियो की मांग की थी। थैंक यू है आप सभी का। आप लोगों की वजह से आज सबको 13 रीजन वाई के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द 13 रीजन वाई सीरीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉइलर्स के साथ। क्यों? क्योंकि आज की स्टूडियो में आपको पता चलेगा क्यों आखिर सेलिना गोमेज ने हैना बेकर का रोल प्ले नहीं किया, क्या क्या डिफरेंसेस है इसके ओरिजिनल सोर्स मटेरियल और टीवी शो के बीच, डिफिकल्ट सीन्स को शूट करने के बाद कास्ट एंड क्रू को किस तरह से चीयरफुल रखा जाता था, इस शो के एक्टर्स ओरिजिनली कौन कौन सा कैरेक्टर पहले प्ले करने वाले थे, और फाइनली जानेंगे इस शो से जुड़े हुए कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नेटफ्लिक्स की 13 रीजन वाई सीरीज बेस्ड है इसी नाम की नॉवल सीरीज पर, जिसे जे एशर ने लिखा है। एक म्यूजियम के ऑडियो टूर सुनने के दौरान उन्हें टीनेजर्स पर कहानी लिखने का आइडिया आया। वहीं दूसरी ओर उनके क्लोज रिलेटिव्स में लगभग हैना बेकर की ही उम्र की एक लड़की की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से वो उसकी कहानी जानने के बाद उन्होंने अपनी वाइफ, उनकी फीमेल कलीग्स और साथ ही साथ अपनी फीमेल कलीग्स के अपने यंग एक्सपीरियंसेस के बारे में इंटरव्यू किया। साथ ही साथ कई सारे फीमेल हैरेसमेंट के केसेस को भी स्टडी किया। यही कारण है कि सीरीज के अंदर आपको जो भी चीजें हैना के साथ होती हुई दिखी हैं, वो रियल लाइफ में किसी न किसी के साथ जरूर हुई हैं। 2007 में पब्लिश होने के बाद ये बुक 8 सालों तक बेस्ट सेलर बनी रही। इस कहानी के मूवी और टीवी शो के अडॉप्टेशन के लिए अमेरिकन पॉप स्टार सेलिना गोमेज और उनकी मॉम ने 2008 में ही जे एशर से बात कर ली थी, और सन 2011 आते आते यूनिवर्सल स्टूडियोज इस पर एक मूवी बनाना चाहता था, जहां पर बेसिकली सेलिना गोमेज ही हैना बेकर का रोल निभाती। लेकिन इस मूवी को बार बार डिले किया गया और 2015 में डिसाइड किया गया कि इस पर एक टीवी शो आएगी। वहीं पर पहले इसी बात को फाइनल किया गया था कि सेलिना गोमेज ही इस सीरीज के अंदर हैना बेकर का रोल निभाएंगी, लेकिन सेलिना गोमेज ने खुद इस रोल को करने से मना कर दिया क्योंकि उनके हिसाब से टीवी शो आने तक वो उस एज रेंज में नहीं थी जिसमें हैना बेकर है। इसीलिए वो और उनकी मॉम इस सीरीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बनी रहीं। क्रिश्चियन ली नोवारो, जिन्होंने गरम मिजाज टोनी का रोल प्ले किया है, वो इस सीरीज के अंदर हमें एक आइकॉनिक लाल मस्टैंग चलाते हुए दिखे हैं। लेकिन इन रियल लाइफ सीरीज के शुरू होने से पहले उन्हें कार चलानी नहीं आती थी, जिसके कारण शो के प्रोडक्शन ने उन्हें गाड़ी चलाना सिखाया और फाइनली उन्हें अमेरिका के नॉर्दर्न कैलिफोर्निया से ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया। इस सीरीज की शूटिंग एक एक्चुअल हाई स्कूल के अंदर की गई थी, जहां पर गर्मियों की छुट्टियों के दौरान कैलिफोर्निया के एनली हाई स्कूल का इस्तेमाल किया गया था, और जब छुट्टियां खत्म हो गईं, तो प्रोडक्शन को एक अलग से सेट डिजाइन करना पड़ा। फिर भी स्कूल के बाहर की लोकेशंस के लिए इसी स्कूल का इस्तेमाल किया गया है, जहां पर इन सीन्स को शूट करने के लिए प्रोडक्शन को वीकेंड्स का इंतजार करना पड़ता था। अगर आपने इस सीरीज को ध्यान से देखा होगा तो आपको मालूम चलेगा कि इस सीरीज के अंदर एक बहुत बड़ा विजुअल डिफरेंस है, जहां पर बेसिकली हैना की डेथ से पहले सब कुछ कलरफुल और ब्राइट होता है, वहीं पर हैना की डेथ के बाद सब कुछ स्लाइटली ग्रे और डार्कर होता है। बेसिकली इस चीज को जानबूझकर सीरीज के अंदर इस्तेमाल किया गया था, ताकि एक तो फ्लैशबैक और प्रेजेंट में डिफरेंशिएट करने में आसानी हो, वहीं दूसरी ओर हैना और उसके जाने का इफेक्ट सीरीज के अंदर समझाया जा पाए। सरप्राइजिंगली शूट के शुरू होने से पहले बहुत सारे कास्ट मेंबर्स ने इसके ओरिजिनल सोर्स मटेरियल यानी नॉवेल को नहीं पढ़ा था, जहां पर सिर्फ और सिर्फ हैना का रोल निभाने वाली कैथरीन लैंगफोर्ड ही थी जिन्होंने पूरी की पूरी किताब पढ़ी थी। वहीं पर क्ले जेंसन का रोल निभाने वाले डिलन मिनेट ने इस किताब को जानबूझकर नहीं पढ़ा, क्योंकि वो खुद को इस किताब और सीरीज के डिफरेंसेस से कंफ्यूज नहीं करना चाहते थे। और अगर आप भी वो डिफरेंसेस जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए। अब चलिए बात करते हैं इस सीरीज से जुड़े हुए कुछ कास्टिंग के बारे में, और शायद हो सकता है कि आपको जानकर हैरानी हो कि इनमें से सारे के सारे एक्टर्स जो हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स को प्ले करते हैं, वो इस सीरीज के अंदर किसी और ही कैरेक्टर के रोल के लिए ऑडिशन देने आए थे। तो अगर बात करें इसके लीड स्टार यानी हैना बेकर के रोल प्ले करने वाली कैथरीन लैंगफोर्ड की, तो वो एक ऑस्ट्रेलियन है जिन्होंने अपना ऑडिशन ऑनलाइन स्काइप के थ्रू दिया था। यही नहीं, कैथरीन लैंगफोर्ड ने हैना बेकर की बेस्ट फ्रेंड जेसिका के रोल के लिए भी ऑडिशन दिया था।
जिसका रोल एलिशा बो प्ले करती हैं। इसके अलावा टाइलर डाउन का रोल प्ले करने वाले डेविड ड्रूड ने ओरिजिनली क्ले जेंसन के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। क्लोई राइस का रोल प्ले करने वाली एनी विंटर्स ने हैना बेकर के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। वहीं पर स्कॉट रीड का रोल प्ले करने वाली ब्रेंडन बटलर ने एलेक्स टैंडाल के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। और जेफ एटकिंस का रोल प्ले करने वाले ब्रेंडन लारा क्वेंटे ने जस्टिन फोले के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। अगर आपको भी इस सीरीज का साउंड ट्रैक बहुत ही ज्यादा औसम लगा तो आपको इस सीरीज के क्रिएटर ब्रायन योर्की के साथ साथ इस सीरीज में जेंसन का रोल प्ले करने वाले डेनिट मिनट का भी आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही ब्रायन को इस सीरीज के लिए कई सारे गाने को चुनने में हेल्प की है। और तो और, जो भी पोस्टर्स आपको क्ले के रूम में दिखते हैं वो बेसिकली आर्केड फायर, द शिन्स और बॉन आइवर के पोस्टर्स हैं, जो डेनिट मिनट की फेवरेट बैंड्स हैं। इसके अलावा हो सकता है कि आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि डेनिट मिनट का खुद का एक म्यूजिकल बैंड भी है जिसका नाम वेलोज है। तो गाइस, चलिए फाइनली बात करते हैं टीवी सीरीज में किए गए बुक्स से कुछ डिफरेंसेस के बारे में। बुक्स के अंदर हैना का टेप क्ले एक रात के अंदर अंदर पूरा का पूरा सुन लेता है। वहीं पर टीवी शो के अंदर उसे ये थ्रू आउट द सीरीज करते हुए दिखाया गया है। वहीं पर कई सारे कैरेक्टर्स के नाम सीरीज के अंदर बदले गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्कस कोली को टीवी शो के अंदर मार्कस कोल कर दिया गया है। वहीं जेनी कर्ड्स को शो के अंदर शेरी हॉलैंड कर दिया गया है। इनके अलावा शो के अंदर हैना की टेप्स का सीक्वेंस भी बदला गया है। वहीं पर बुक्स के अंदर टोनी और रायन को गे नहीं दिखाया गया है जो टीवी शो के अंदर दिखाया गया है। वहीं पर कोटनी भी बुक के अंदर लेस्बियन नहीं है, जिसके कारण हैना और उसके बीच कोई किस नहीं हुई। इन सब के अलावा बुक्स के अंदर हैना के पेरेंट्स का शू स्टोर होता है, ना कि ड्रग स्टोर। और सबसे ज्यादा जरूरी, हैना की डेथ, बुक्स के अंदर हैना की डेथ पिल्स के ओवरडोज से होती है, ना कि अपनी रिश को काटने से। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हैना की डेथ पिल्स की ओवरडोज से होती है, जी एशर के दिमाग में एक बार ऐसा भी ख्याल आया था कि वो कहानी के अंदर हैना को जिंदा रखें, जहां पर उसके पेरेंट्स उसे तुरंत मेडिकल इमरजेंसी में भर्ती कराते और उसके पेट से सारी की सारी जहरीली दवा बाहर निकालते। लेकिन उन्होंने इस प्लान को इसीलिए कैंसिल कर दिया क्योंकि कहानी पर जो हैना की डेथ का इम्पैक्ट सब पर पड़ा था वो नहीं पड़ पाता, और वहां से कहानी को दूसरे एंगल में मोड़ना पड़ता, जो बिल्कुल भी आसान नहीं होता। अगर आपको ये टीवी सीरीज देखते हुए डिप्रेसिंग लगी थी तो सोचिए उनका, जिन्होंने शो में काम किया है। जी हाँ, शो के कास्ट और क्रू मेंबर्स के लिए भी शो को शूट करना उतना ही डिप्रेसिंग था, इसीलिए प्रोडक्शन ने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हेलन सू की मदद ली। इसके अलावा एक्टर्स के मूड को लाइट अप करने के लिए सेट पर कई सारे पपीज को भी लाया जाता था। और तो और, कैथरीन लैंगफोर्ड खुद को डिफिकल्ट सूट से निजात दिलाने के लिए घर पर पियानो प्रैक्टिस करती थी और द ऑफिस सीरीज के कई सारे एपिसोड्स देखती थी। अब जैसा कि हर पॉपुलर चीज के साथ कंट्रोवर्सी जुड़ी होती है, इस सीरीज के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, जहां पर इसका मेन कंसर्न इसका ओपन और ग्राफिक टोन था, जहां पर इस सीरीज के अंदर दिखाए हुए मुद्दे बहुत हद तक दुनिया के कई टीनेजर से रिलेटेबल थे, जिसके कारण अथॉरिटीज को टीनेजर्स के लिए चिंता होने लगी और उनका कंसर्न भी पूरी तरह से जायज था, क्योंकि इस सीरीज के आने के बाद सुसाइड से जुड़े हुए गूगल पर 1.5 मिलियन सर्चेस हुए। साथ ही साथ कई सारे स्कूलों में बच्चों के बिहेवियर में एक सडन चेंज आने लगा, यहाँ तक कि कुछ हॉस्पिटल्स में टीनेजर से जुड़ी हुई इमरजेंसी सर्विसेज में इजाफा होने लगा। मेरे हिसाब से शो को हमेशा शो की तरह ही देखना चाहिए, और अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो ही रहा है तो खुद कुछ एक्शन लेने के बजाय पहले किसी से बात करिए, किसी अपने या किसी फैमिली मेंबर से, और हो सके तो मिलकर सोल्यूशन निकालिए। यकीन मानिए, ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। वहीं पर नेटफ्लिक्स ने भी इन क्रिटिसिज्म के चलते अपनी पूरी प्रिकॉशन ली और अलग अलग कंट्रीज की अथॉरिटीज के साथ पूरा साथ निभाया, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया, जहां पर 12 से 25 साल एक बहुत ही डेंजर एज था, वहां पर इसे MA 15+ की रेटिंग मिली। साथ ही साथ 13 Reasons Why के कई सारे एक्टर्स अलग अलग एपिसोड्स में अपनी आवाज में वार्निंग नोटिफिकेशन को पढ़ा करते थे। वहीं पर न्यूजीलैंड के अंदर इसे RP18 की रेटिंग मिली, जिसके कारण 18 साल के नीचे के लोग बिना पेरेंटियल गाइडेंस के नहीं देख सकते थे। इसके अलावा नेटफ्लिक्स ने सीजन 1 के एपिसोड 9, 12 और 13 पर कई सारी एडवाइजरी वार्निंग्स भी दी थी। साथ ही साथ वर्ल्ड के कई पार्ट्स में इन एपिसोड्स में से फॉरवर्ड और रिवाइंड का ऑप्शन ही हटा दिया गया था। इसके ऊपर से नेटफ्लिक्स ने इसी शो का स्पिन ऑफ सीजन 2 और सीजन 3 के बाद बियॉन्ड द रीजंस लॉन्च किया, जिसमें इसके लीड एक्टर्स ने अपनी पास्ट टीनेज लाइफ के बारे में डिस्कस किया है।
अब नेटफ्लिक्स ने अपनी प्रिकॉशन तो ली ही, लेकिन साथ ही साथ इस सीरीज के कई सारे एक्टर्स ने भी अपनी ओर से पूरी तरह से सुसाइड प्रिवेंशन को प्रमोट किया, जिसके कारण सेलिना गोमेज, टॉमी डॉफमैन जिन्होंने रायन का रोल प्ले किया है और एलिसन बो जिन्होंने जेसिका का रोल प्ले किया है, इन्होंने अपने हाथों पर सेमी कॉलन टैटूज करवाए थे, जो बेसिकली प्रोजेक्ट सेमी कॉलन मूवमेंट का एक सिंबल था, जिसे 2013 में सुसाइड प्रिवेंशन और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए फॉर्म किया गया था। इस सीरीज की पॉपुलैरिटी और ऑसम परफॉर्मेंस की वजह से इस शो को कई सारे अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी किया गया और इसे शो ऑफ द ईयर के लिए MTV मूवी प्लस टीवी अवार्ड्स, पीपल चॉइस अवार्ड और सैटेलाइट अवार्ड में नॉमिनेट किया गया। साथ ही साथ इसकी लीड स्टार कैथरीन लैंगफोर्ड को भी कई सारे अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा सीरीज के लिए नॉमिनेट किया गया, जहां पर मोस्ट इम्प्रेसिंगली उन्हें गोल्डन ग्लोब्स के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, जहां पर हॉलीवुड की ए-लिस्ट एक्ट्रेसेस क्लैरी फॉय, मैगी जिलेनहॉल और एलिजाबेथ मॉस को भी नॉमिनेट किया गया था। तो गाइज, ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द 13 रीजन वाई सीरीज फैक्ट्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद जरूर आई होगी। मेरे हिसाब से इस सीरीज को सेकंड सीजन के बाद ही कंक्लूड कर देना चाहिए था, लेकिन इसे इवेंचुअली सीजन 4 के बाद कंक्लूड किया गया है। बाय द वे, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट बहुत ज्यादा पसंद आए। मुझे शो और बुक के बीच में डिफरेंसेस और इस शो से जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी के बारे में जानकर बहुत हैरानी हुई। इनके अलावा अगर आपको इस सीरीज के बारे में कोई और फैक्ट भी मालूम है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए भी एंजॉय करते रहिए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।